दोस्तों अभी 9 बज गए और जो इसकी इंतजार था कि एंडो की एसजीडी होनी है वो आज हो रही है। ठीक है, हमारा ग्रुप था ग्रुप नंबर 1, तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पहले ही प्रेजेंट कर दिया था। हमारा केस था एडिशन डिजीज का। ग्रुप 2 का केस था, वो था हाइपोथायरॉयडिज्म। ग्रुप 3 का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं ग्रुप 3 वाले का क्या केस है। ठीक है, वो लोग स्लाइड्स वगैरह शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों, तो आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ, सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग। रुको एक मिनट, इसको रख लेता हूँ, ऐसे रख लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग, होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल, आवर चैनल अमेरिकाज माय लाइफ स्टाइल। दिस इज मोहित, आई एम गोइंग टू शेयर सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल। ठीक है, आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सब आपको बताते हैं। ठीक है, मॉर्निंग डॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। केस को कंसीडर करते हैं दोस्तों। अभी हो गया है टाइम 9:32 और अभी हमारी ना एसजीडी खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, तीनों केस डिस्कस हो गए। तीसरा केस था वो था एबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, तो थकान वकान होना, वो ही बहुत सारे सिम्टम्स है। ठीक है, तो वो सब था, वो डिस्कस हो गया और मैम ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेज किए, जो कि खतरनाक कुछ क्वेश्चन की तो हवा भी नहीं लगी कि क्या पूछ लिया, बट क्योंकि लकीली वो हमारा काम नहीं था, बट पता हमें भी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पता थे, वो मैंने आंसर भी कर दिए थे, और दूसरे लोगों के भी आप पे जिनका केस था वो लोग नहीं कर रहे थे तो मैंने कर दिए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिससे मुझे भी धक्का लगा कि ये क्या पूछ लिया, तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पढ़ाई हो गई है चालू। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से जब भी फ्री होते हैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू गाइस। एक तो मैं ना पर्दे वर्दे खोल देता हूँ, बड़ी ऐसा सफोकेटेड सा लग रहा है मुझे। सुबह सुबह ना बहुत तेज धूप आ रही थी, तो इस चक्कर में मैंने ये बंद कर दिया। तनु काला चश्मा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं थोड़ी देर पढ़ाई, देन मिलते हैं आपसे। तब से लगा हूँ, अभी तक भी काम पूरा हुआ नहीं है। मतलब थोड़ी देर तो पढ़ाई वढ़ाई की कुछ, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना था। ठीक है ना, 11 बज गए हैं। ठीक है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है भाई, दिक्कत है जिंदगी में, अब पता नहीं कैसे होगा, कब तक होगा। एक बार आया हूँ, हितेश है ना, अगर उसको तुम जानते होंगे पहले से, अगर पहले व्लॉग व्लॉग देखे मुझे जानते हैं, उसको खाना लगाना है कहीं दूसरी कैंटीन में। ठीक है, और वो कैंटीन वाला है वो अपना जानकार है, तो हितेश ने बोला कि चल वहाँ पे चलते हैं, लंच का खाना भी खा पी लेंगे और खाना भी लगा के आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इस चक्कर में मैं अभी जा रहा हूँ हितेश के पास और फिर हम लोग जाएंगे वो कैंटीन वाले जो भैया है जो पंजाब से हैं, ठीक है, उनके पास। ओके, तो अभी अगर मौसम की बात करें तो सही मौसम है, मतलब धूप वूप नहीं है। मुझे तो लगा था कि धूप है, मैंने उसे बोला भी था कि बहुत तेज धूप है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तब फिर उसने बोला कि धूप नहीं है। पानी मार रहा है, पानी चला रहा था, मेरे ऊपर गिर गया, तो फिर बोल रहा है सॉरी सॉरी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे ना फिलीपींस में, तब 3,000 पैसोज में खाना मिलता था। ठीक है, 2 टाइम खाना 3,000 पैसोज का, और अभी का रेट बताऊंगा तो गिर पड़ोगे। 5,000 पैसों से 5,500 पैसों तक लोग चार्ज कर रहे हैं 2 टाइम के खाने का, समझ रहे मेरी बात, 6,000 भी लोग चार्ज कर रहे हैं, देख रहे हो महंगाई। आज कितने साल हुए, 4 साल में लगा लो इतनी महंगाई हो गई। ये
यहाँ पे ना रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट्स का भी बिजनेस बहुत तगड़ा चलता है, मतलब जो इंडियंस का स्पेशली बात करूँ तो, क्योंकि गुजरात से कुछ लोग आ रखे हैं, उन्होंने गुजराती रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, मतलब इंडियंस का ही भाई, तगड़ी सेल है उनकी। अभी वो ना सेल करके जा रहे हैं, 4-5 साल हो गए उनको, तो वो सेल करके जा रहे थे, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आप कितने में बेच रहे हो आप लोग, तो उन्होंने बताया कि 60 लाख पैसों चाहिए उन्हें, मतलब लगभग 80 से 85 लाख रुपए में वो रेस्टोरेंट बेचेंगे। और रेस्टोरेंट में क्या है, प्रॉपर एक दुकान है, ठीक है, और वो दुकान भी रेंट पे है, मतलब कि रेंट देना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा तुम क्या ही दे रहे हो फिर, समझ नहीं आया मुझे उनका जो क्या बिजनेस सेल कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आया। बट मैं ये कह रहा था कि बहुत सारा पैसा है इन सब में भी ना, यहाँ पे लोग आते हैं करते हैं, पंजाब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि यही रेस्टोरेंट्स वगैरह चलाते हैं स्टूडेंट्स के लिए खाना वाना, या फिर एक अलग से क्यूजीन वगैरह खोल लेना, समझ रहे हो। कहाँ है भाई, भाई टाइम से ही मैं खड़ा हूँ यहाँ, ये जो शोरूम नहीं है कार का, इसके सामने हाँ, और अंदर कहाँ घुसूंगा अब इसमें भाई, हद कर रहा है यार, बहुत तेज है छोरा, मुझे आप खड़ा कर रखा है, पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन मैं तो अभी पहुंचा हूँ, वो बहुत पहले का आया हुआ है यार। एक और चीज मैंने फिलीपींस में ना ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे लोग बाइक से ज्यादा स्कूटीज लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे सामने खड़े खड़े ये देखो सारी स्कूटीज हैं, ठीक है, एक बाइक है वो उधर खड़ी है किसी के बंदे की, नहीं बाकी सब लोग स्कूटी यूज करते हैं, ठीक है, तगड़ा काम है यहाँ पे, बहुत लाइट बाइक्स चलाना लोग पसंद करते हैं। दोस्तों आ गया है जिसका इंतजार था उसको, हमारा भाई साहब क्या हाल चाल है, रोटेशन किस में चल रहा है, पीडीएम पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं करते है, करते है करते, बता साले झूठ मत बोल, नीकू करके आया भाई, नीकू क्या होता है ये तो बता दे पहले, नियोनेटल इंटेंसिव केयर, बच्चों के लिए जो आईसीयू होता है उसे नीकू बोलते हैं, ठीक, हाँ तो कहाँ चल रहे हैं अभी, उधर ले जा रहे तो दोस्तों हम जा रहे हैं खाना खाने, एंड जो बिल होगा वो इस पे होने ही वाला है आज, मस्त काम, मजा आएगा, पूरा खा जाऊंगा पूरा। जी दोस्तों खाना खा के आ गया हूँ, और मैं ना अपना व्लॉग एडिट करते करते बीच में आया था इसके लिए, ठीक है, और लेकिन अभी टाइम हो गया है 2:53, 3 बजने वाले, तो 3 बजने वाले अभी जाऊंगा, व्लॉग जल्दी से एडिट करेंगे और फिर व्लॉग अपलोड करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि 2 व्लॉग एडिट कर दूंगा आज, जिससे कि कल की भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, समझ रहे हो, तो कल हम लोग पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। धूप अब थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है यार, जब आए थे तब तो इतनी ज़्यादा धूप थी नहीं, ठीक है, तो भाई पेट भर गया, खाना बढ़िया था, पेट निकल रहा है आगे डालू खा गए, पेट निकाल के चल रहा है आगे, तो खाना वाना खा लिया, बढ़िया बैंगन की सब्जी थी, सब्जी ना जो रेगुलर सब्जी थी वो खत्म हो गई, तो उनके पास बैंगन की सब्जी स्पेयर पड़ी हुई थी, तो वो उन्होंने गरम गरम करके हमको दे दी, दाल दे दी, दही दिया, दही मतलब वो वाला दही नहीं था इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, वो दही मतलब छाछ जैसा दही होता है ना वो अलग, वो वाला दिया, रोटियां दी, अंत 50-60 खा ही ली होंगे, ठीक है, तो बस यही खा पी के अभी निकल गए हैं, आ गए हैं वापिस, ये देखो किसकी बाइक खड़ी है यहाँ पे भाई, ऐसे अभी जाते हैं वापिस, अभी ये मुझे टिकट के पैसे देगा मेरी फ्लाइट के घर तक, क्या भाई, बिल्कुल हमारे यहाँ पे फ्लाइट चलती है जीपनी, हाय ब्रो हाउ आर यू, ये है मेरे कलीग मिस्टर ललतू, ललतू ब्रो हाय। एक बार ना नाइट में क्या था कि मैं और अपना दोस्त जो भी मिला था थोड़ी देर पहले ललतू, ठीक है, ये एक पेशेंट को मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, तो पूरी रात उसके वाइटल्स लेने थे हर एक घंटे में, तो मैं ललतू से बोला कि भाई चलो वाइटल्स लेते हैं, तो बोला कि ब्रो मैं नहीं ले पाऊंगा, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ये तो काम आएगा ना भाई जिंदगी में, आगे फिर कैसे करोगे,
बोल रहा था कि ब्रो मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। मैंने क्यों डॉक्टर क्यों नहीं बनना, क्या दिक्कत आ गई अब? अब तो यार तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, अब भी तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो कब बनना? तो बोल रहा है कि मैंने अपने घर वालों को भी क्लियर बोल रखा है मुझे डॉक्टर नहीं बनना है और मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की ऐसे ही वो होते हैं कि भाई मुझे करना कुछ और है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि घर वालों ने फोर्स करके भेज दिया है, समझ रहे हो बात? तो मैंने कहा फिर तूने घर वालों से बोला? तो भी बोला नहीं, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि मैं फुटबॉलर ना बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ। तो इसलिए घर वालों को खुश रखने के लिए ये डॉक्टर बन रहा है, बंदा क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ रहे हो? फिर उसके बाद मैं बोला कि यार अब तो फुटबॉलर तो बनेगा कैसे, तेरी उम्र मतलब लगभग हो गई होगी, अब कैसे फुटबॉल खेलेगा, मतलब कि कैसे क्या करेगा? तो बोल रहा है अब फुटबॉलर नहीं बन सकता तो अब मैं कोच बन जाऊंगा, फुटबॉल का कोच बन जाऊंगा। मणिपुर साइड का ये बंदा ना, तगड़ा बनता है भाई, लेकिन भाई हर एक नंबर के बनते हैं। मस्त लोग है। अभी आ गया हूँ आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट घर के पास।